सो आज का हमारा जो प्लान एक 30x40 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है। सो चलते हैं प्लान की तरफ से, देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है। फर्स्ट हमने यहाँ पर एक गेट प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ गेट से हम एंटर करेंगे हमारे पार्किंग एरिया के अंदर। इस पार्किंग का जो हमारा साइज है वो 12 फीट 6 इंचेस बाय 9 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 12 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 9 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ पार्किंग के ही राइट साइड में हमने स्टेयर्स का एरिया प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ से हमारी स्टेयर्स जो है फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी। हमारी स्टेयर्स की जो विड्थ है वो 3 फीट वाइड होगी, 3 फीट वाइड हमारी ये स्टेयर्स होंगी। हमने बोथ साइड 2 फीट का ऑफसेट छोड़ा हुआ है। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे लिविंग रूम के अंदर, जिसको हमने हॉल से डिनोट किया हुआ है। इस हॉल का जो हमारा साइज होगा वो 13 फीट 6 इंचेस बाय 13 फीट का होगा। इसमें कि हमारा 13 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 13 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने बाथ प्रोवाइड किया हुआ है। इस बाथ का जो हमारा साइज होगा वो 7 फीट बाय 4 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 7 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 10 फीट बाय 11 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 11 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस बेडरूम के फ्रंट में हमने किचन प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे किचन एरिया के अंदर। इस किचन का जो हमारा साइज होगा वो 10 फीट बाय 10 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 10 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस किचन से ही अटैच हमने एक स्टोर रूम प्रोवाइड किया हुआ है। इस स्टोर रूम का जो हमारा साइज होगा वो 6 फीट बाय 4 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 6 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन ये किचन से ही हमने एक डोर प्रोवाइड किया। इस डोर से हम एक्सेस करेंगे हमारे वॉश एरिया को। हमारा वॉश एरिया जो 3 फीट वाइड होगा, 3 फीट वाइड हमने एक वॉश एरिया प्रोवाइड किया हुआ है। जो हमने बैक साइड में पोर्शन ओपन छोड़ा हुआ है वो 3 फीट वाइड होगा। देन यहाँ बैक साइड में हमने एक टॉयलेट प्रोवाइड किया हुआ है। इस टॉयलेट का जो हमारा साइज होगा वो 3 फीट बाय 3 फीट 6 इंचेस का होगा। जिसमें कि हमारा 3 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 3 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम के अंदर। सेकेंड बेडरूम जो हमारा एक मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 10 फीट बाय 11 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 11 फीट हमारी इसकी लेंथ है। इस बेडरूम से ही अटैच हमने एक WCN बाथ प्रोवाइड किया हुआ है। इसका जो हमारा साइज होगा वो 3 फीट बाय 8 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 8 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस प्लान में हमने जितने भी डोर्स प्रोवाइड किए हुए, जितने भी डोर्स को हमने डी से डिनोट किया, जो हमारा मेन डोर है, इसका जो हमारा साइज होगा वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। देन जितने भी डोर्स को हमने D1 से डिनोट किया हुआ है, इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। देन जितने भी डोर्स को हमने D2 से डिनोट किया हुआ है, इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 6 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान में हमने जितने भी विंडोज प्रोवाइड किए हुए, जितने भी विंडोज को हमने W से डिनोट किया हुआ है, जितने भी विंडोज को हमने W से डिनोट किया हुआ है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज होगा वो 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 4 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज को हमने V से डिनोट किया हुआ है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 2 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान का हमारा जो ओवरऑल एरिया है, जिसमें कि हमारा इसकी विड्थ जो है वो 30 फीट होगी एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो 40 फीट की होगी। सो हमारा इसका जो ओवरऑल एरिया होगा वो 1200 स्क्वायर फीट का है एंड हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 12-14 लाख के अराउंड आएगा, जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का प्लान, जो कि 30x40 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान था, जिसमें कि हमने एक 2 BHK प्लान किया था।